अभी जो इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ, हर मीटिंग में ही नीतीश जी को सब लोग मिलकर किनारा किया कि बिहार का मुख्यमंत्री कभी भी इंडिया अलायंस का कन्वेनर भी नहीं बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनेगा। जब से ये इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है देश में, उनका तुरंत बाद सनातन विरोधी बयान हर दिन आने लगे हैं। जब ऐसा बयान आते हैं तो हमारा प्रश्न होता है कि इस बयानों का ऊपर कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या है, और हम लगातार देखता हूं कि कांग्रेस प्रतिक्रिया या तो नहीं देता है या तो बोलता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर भारत का 80% लोगों का जो विश्वास है, जो परंपरा है, उसका ऊपर प्रहार होता है और कांग्रेस इसमें कोई प्रतिक्रिया प्रकाश नहीं करता है, तो ये लॉजिकल है कि ये सारे चीजों का पीछे कांग्रेस ही है। तो इसीलिए हमारा देश का लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा सभ्यता को ध्वंस करना चाहते हैं, कौन हमारा विरासत को ध्वंस करना चाहते हैं, और इसीलिए हमें सारे लोग मिलके कांग्रेस को अगले चुनाव में एक बहुत बड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री अभी जो है वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं और या वहाँ पे बहुत गठबंधन भी बना रहे हैं, तो ये क्या आगे चलकर क्या? देखिए, सपना देखा कि नहीं देखा उसका बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो अलायंस का भीतर जो सभा होता है, मीटिंग होता है, उस मीटिंग का जो थोड़ा बहुत हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, उस इंफॉर्मेशन का आधार में यही गारंटी से बोल सकता हूँ कि बिहार का मुख्यमंत्री कभी भी इंडिया अलायंस का कन्वेनर भी नहीं बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री बनने का तो सवाल नहीं है, वो तो मोदी जी रिजर्व है, लेकिन पीएम का उम्मीदवार भी नहीं बन पाएगा, इतना वो गारंटेड है। देखिए, वो तो था ही, लेकिन अभी वो तो संभावना मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे जरूर यह संभावना दिखाई देता है कि नीतीश जी विद इन द अलायंस एक आइसोलेटेड व्यक्ति बनकर रह जाएगा। ही विल बी टोटली आइसोलेटेड। अभी जो इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ, हर मीटिंग में ही नीतीश जी को सब लोग मिलकर किनारा किया, इतना तो खबर मेरा पास है। देखिए, वो समय मैं भी साथ में था, मेरा टेबल में ही नीतीश जी था। वो तो एकदम काटसी था, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था, इसलिए हम लोग एक ही साथ सब जाके अमेरिका का राष्ट्रपति को मिला, और उसमें मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं देखा। मोदी जी प्रधानमंत्री होगा, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना है तो चंद्रयान से चंद्र ग्रह तक भेज दूंगा, वहाँ पीएम बन सकता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।